बहुत अच्छे लग रहे हो, इस पर्सनैलिटी में आपको पब्लिक बहुत पसंद भी कर रही है, आपके फैंस। थैंक यू सो मच। सो ये जो सीन चल रहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 25 साल हो चुके हैं, बबरी और मामा ने दोनों ने एक्सपीरियंस लाइफ का जी लिया है। अब वो पोते बड़े हुए, वही जोश वही गर्मी उनके अंदर है जो हम लोग 25 साल पहले देख चुके हैं। तो सीन यही उनको समझाया जा रहा है कि ठीक है, शराफत से दुनिया नहीं चलती है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जो समझ जाएगा वो आगे जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा उसको समझाया जाएगा। ये सो अभी इससे मतलब वैसे भी बहुत सारे ड्रामे ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पे आते ही रहते हैं। सो अब न्यू ड्रामे और ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे आने वाले हैं, कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि कहानी को 25 साल हो गए हैं, पुराने विलन्स जा चुके हैं, नए विलन्स आएंगे, नए विलन्स के साथ खेलने में मज़ा आएगा। तो अभी एक ये सीन चल रहा है जहाँ पे जो नया विलन आया है तो उसने एक टेंडर जो है, जो शराब का ठेका होता है, वो हमसे ले लिया है, छिन गया हमसे बरा। तो अब वो हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, तो उसकी बेटी को उठा लाएंगे। अब वही सीन चल रहा है अभी यहाँ पे। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, शी इज़ अ डार्लिंग एंड शी इज़ अ वेरी नाइस को एक्ट्रेस जिसके साथ काम करने में आपको मज़ा आता है। शी इज़ वन ऑफ द, मेरे ख्याल से बहुत कहते हैं ना वो एक्टर की परिभाषा में बहुत सीखा हुआ है उन्होंने, एंड इट्स फैंटास्टिक टू वर्क विथ हर। सो वैसे अभी क्रिसमस आ रहे हैं एंड न्यू ईयर आ रहे हैं, सो आपके प्लान्स क्या है उसके? यार छुट्टी नहीं मिल रही है, प्लान्स तो बहुत सारे हैं, प्लान्स हम बनाते हैं, ऊपर लास्ट आया कहता है कि प्लान्स तुम बना बेटा, हम उसको ख़राब करेंगे। एज सच कुछ प्लान नहीं है, एंड क्रिसमस आ रहा है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो आउट एंड हैव फन फॉर क्रिसमस फॉर न्यू ईयर्स, बट शेड्यूल बहुत टाइट है तो शायद छुट्टी नहीं मिलेगी। एंड लेट्स सी, आपके ऊपर बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रेशर है क्योंकि अपना एपिसोड्स जो हैं, जो आज हम शूट कर रहे हैं वो कल एपिसोड आएगा, टेलीकास्ट होगा, तो एक्स्ट्रा प्रेशर है हम लोग के ऊपर। फैंस को, व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पिया अंग्रेज, और मुन्ना मामा को जैसे आपने एक्सेप्ट करा, मुन्ना दादू को एक्सेप्ट करिए आप लोग, एंड कीप वॉचिंग पिया अंग्रेज, एंड अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए, एंड हम कोशिश करते रहेंगे आप लोग को ऐसे ही टीवी के सामने चिपकाते रहें।